और अभी अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये हम बालाकोट की पहाड़ियों में घूमते हुए, और अभी आपने जो स्टार्ट देखा ना पहाड़ी का, वो कोना रात की बात की जाए तो उस पहाड़ी के भी बैक साइड से हमने स्टार्ट किया था, और सफर की बात की जाए तो समंदर से स्टार्ट किया था और पहाड़ों पे आ गए। और ये भी माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त व्यू आ रहा है, और अच्छा मौसम है, गर्मी है अभी फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि ये अपना बालाकोट में इतना ज्यादा कोई सर्दी नहीं होती। ऐसा होता है कि दिन में गर्मी है, दोपहर में जब तक धूप है, रात में सर्दी, मतलब बालाकोट काइंड ऑफ कराची कह सकते हो आप। बाकी आगे अब जो है थोड़ा सा बढ़ेगा, देखते हैं कितनी सर्दी बढ़ती है और सर्दी क्या कर लेती है हमारा, पहाड़ियाँ क्या कर लेंगी हमारा, ये दरख्त क्या कर लेंगे हमारा, है यार एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या ये इतने व्यूज भी आ रहे हैं मगर सब्सक्राइबर नहीं आ रही है, इन लोगों के सब्सक्राइब करते हुए क्या हो जाता है? पता नहीं मुबशिर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा भाई बात ये बहुत जबरदस्त है, आज सबकी नींद पूरी हुई है, हम सब फ्रेश हैं, और बस ये है कि जिस बेड पे जिस मैट्रेस पे मैं लेटा था ना उस पे पहले मुबशिर भाई लेट गया था। उसमें पहले पता नहीं कितना जुल्म हुआ था, मैं मतलब जहाँ लेट रहा था वो जगह पे गड्ढा बन रहा था और करवट लेने के लिए मुझे नींद। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू, मेहनत मुशक्कत, व्यू मैन, व्यू व्यू, ये पूरी नहर निकल रही है, बड़ा कार यार, कार का व्यू, कार नहीं दैट व्यू, अरे वो बहुत आएंगे, ओ नीचे नहर है, नीचे नहर है, शीशा खोल के देखो ना पानी निकल रहा है यार, नीचे पानी जा रहा है, निकाल दो भाइयों। अच्छा एंड में आपको जो है ना सबको ब्रेक डाउन भी देंगे, कहाँ कितना खर्चा है और पैसे कैसे बचाने हैं और याशी कैसे करनी है, वो भी आपको तला भाई बताएंगे कि याशी कैसे करनी में, तो याश आदमी हूँ लाहौल वाला कुवत। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके फैशारी के साथ एक इस्लामी तरीके से हलाल तफरी कैसे कर सकते हैं, टोटली हलाल तक तफरी है ये, हर फिरके में, हर मकतब फिक्र में।